झपकी लेने का समय नहीं है, पागल हो गए हो क्या? तुम बाद में सो लेना, उठो अभी। मैंने उन्हें भगा दिया। मेरी शक्ति ने कर दिखाया। हम बच गए। अरे उठ जाओ। तुमने हमें बचा लिया। तुम एकदम पिताजी की तरह हो। तुम बहुत बहादुर हो सिम्बा। तुमने उन्हें खूब सबक सिखाया। क्या तुमने देखा कैसे वो सब भागकर गए जब सिम्बा के हाथ से वो रोशनी निकली? इसके पास सच में जादू है। माँ आप ठीक तो है? मैं अपनी जादू शक्ति के बारे में तो भूल ही गया था। मुझे माफ करना माँ। कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर अब वो कुत्ते वापस आए तो मैं उन्हें इससे भी बड़ा सबक सिखाऊंगा। तुम बहादुर हो सिम्बा, पर अभी तुम काफी छोटे हो। हाँ, पर मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ। मैं तुमको कहीं नहीं भेज सकता। अरे उस छोटे से शेर के बच्चे से भागते हुए मैंने तुम्हें देखा था। शर्म करो, तुम्हें वापस जाकर उन्हें सबक सिखाना होगा। और जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा वो मेरा दाहिना हाथ होगा। अब जाओ। अब सब ठीक हो जाएगा माँ। मेरे ख्याल से उन्हें सबक मिल गया है। मुझे नहीं लगता सिम्बा, वो देखो। इस बार तुम मेरा शिकार हो। अच्छा, कोशिश करके देखो। भाग जाओ वरना तुम सब अपनी आंखें खो दोगे। देखते हैं तुम क्या करते हो। नहीं, फिर से नहीं, फिर से नहीं। और कोई है? और किसको चाहिए? आगे बढ़ो, वो एक बच्चा है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। उसके पीछे जाओ। चले जाओ वरना मैं अपनी पूरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। हट जाओ, जाओ अभी, घर जाओ अपने। छोड़ो मुझे, जाओ छोड़ो। सिम्बा बकशॉट बचाओ।
छोड़ो मुझे। हम मुसीबत में हैं। हमें अकेला छोड़ दो। बस करो। जाओ यहाँ से। बचाओ। जाओ। छोड़ो। जाओ यहाँ से। कोई हमें बचाओ। तुम सब ठीक हो? कुछ और बचे हैं जिन्हें सबक सिखाना है। क्या बात है? मैं बड़ा होकर बघेला जैसा ताकतवर बनना चाहता हूँ। बघेला ने उनका आखिरी तक पीछा किया। वो बहुत बहादुर है। अच्छा हुआ वो समय पर आ गए, वरना हमारी हालत खराब हो जाती। तुम इन सबको अकेले नहीं हरा पाते, वो बहुत सारे थे, पर तुम्हारे जादू ने बचा लिया सिम्बा। उसी की वजह से बघेला के आने तक हम बच पाए और जीत गए। निकम्मे हो तुम सब, मुझे समझ जाना चाहिए था। चलो जाओ यहाँ से डरपोक कहीं के। मेरे पीछे आओ सब लोग, हमको सब कुछ सही करना पड़ेगा। काँ, काँ। सब तैयार है अगस्त्या, हाथियों ने सफाई शुरू कर दी है। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जंगल में इतने अंदर तक हमारे पास कचरा साफ करने का तरीका है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पास ये इतने डरावने नहीं लगते। अगली बार मैं खुद लड़ूंगा, देखना तुम। आओ, इसके दांत तो देखो कितने नुकीले हैं। इसका मुंह भी बहुत बड़ा है। बदबू भी आ रही है। बचाओ। मैं भूल गया था तुम्हें बताना कि ये सिर्फ बेहोश थे, और अब तो वो बहुत देर तक बेहोश रहेगा। शुक्रिया बघेला, तुम्हारे बिना पता नहीं हम क्या करते। आओ, तुम, एलेक्स थोड़ा आराम से नहीं कर सकती क्या? एलेक्स सारा आराम से करो ना, देखो सिम्बा को कितना दर्द हो रहा है। हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे सारे घाव साफ करने होंगे सिम्बा, और वैसे भी तुम उन कुत्तों से लड़ सकते हो, तो ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, है ना सिम्बा? बेचारा बक्शोर। मत करो, मत छुओ, मेरा पूरा सर घूम रहा है। काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसे सींग होते, फिर मैं भी लड़ सकता था। वो कुत्ते बहुत डरावने थे बक्शोर, तुम बहुत बहादुरी से लड़े। सिम्बा देखो हमारे दोस्त आए हैं। बहुत अच्छे, एलेक्स तुम्हारा ख्याल रख रही है। हाँ। तुम दोनों बहुत बहादुरी से लड़े, हमें आज तुम दोनों ने ही बचाया, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ, पर फिर भी आज तुमने बहुत ही बहादुरी से बड़ी खतरनाक लड़ाई लड़ी, हमें गर्व है तुम दोनों पर। पर आखिर में आप ही ने उन सबको मार भगाया बघेला। अब से तुम्हारे रोज के अभ्यास में तुम्हें आत्मरक्षा करना भी सिखाएंगे बच्चों। तुम दोनों अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो मेरे दोस्तों। मैं जल्दी ही बड़ा हो जाऊंगा, अब रुका नहीं जाता।
मुझे भी सींग चाहिए, इससे कुत्तों से लड़ने में मदद मिलती है। तुम्हारी जादुई ताकत भी बहुत काम आई सिम्बा, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल किए बिना भी लड़ाई लड़ना सीखना होगा बच्चों। जानता हूँ, जादुई गोले ने मुझसे कहा था कि मैं ये शक्तियाँ तभी इस्तेमाल कर सकता हूँ जब बहुत जरूरत हो। और आर्बर ने भी मुझे यही बताया था जब उसने मुझे शक्तियाँ दी थी, पर आज तो उनकी जरूरत थी ना। और आपने वादा किया था कि आप हमारा ख्याल रखेंगे और हमें इस जंगल में रहना सिखाएंगे ताकि मैं और बक्शोट अपने माँ बाप जैसे बन सके। हाँ, और तुम्हारे माता पिता तुम्हें देख कर खुश होंगे। कोई शक नहीं है इसमें कि तुम एक ताकतवर और अच्छे राजा बनोगे। तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं भी बधाई देना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बस इस बात का ख्याल रखना घमंडी ना हो जाना। सही बात है, ये बहुत साहसी है। अब ये सब देखकर तुमने क्या सीखा? सिम्बा बहादुर है और बक्शोट भी, और कभी भी पूरी तरह खुश नहीं होता। धीरे धीरे दोस्तों और घर वालों की मदद से सिम्बा और बक्शोट अच्छे सरदार बनना सीख रहे हैं। वो बड़े हो रहे हैं पर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। पर एक दिन जब बक्शोट और सिम्बा के बड़े दांत और बड़े सींग हो जाएंगे तो वो अपने अपने पिता की तरह दिखेंगे। ये दोनों हमेशा हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। इनका साथ जरूर दीजिएगा दोस्तों, अगले एपिसोड में।